नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं YouTube से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जो अपडेट हर एक यूट्यूबर से रिलेटेड है, चाहे वो नया यूट्यूबर हो, चाहे वो स्ट्रगलर यूट्यूबर हो या फिर वो सक्सेसफुल यूट्यूबर, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इसके अंदर हम यूट्यूब के जो नई पॉलिसीज आई है मोनिटाइजेशन को लेकर, उसके बारे में कम्प्लीटली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। साथ ही चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने लास्ट वीक से एक टॉपिक जो YouTube पे काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है, YouTube मोनिटाइजेशन पॉलिसी को लेकर, हम उसी के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं प्रूफ के साथ में, जिसके अंदर आप जान पाएंगे आपके जो भी डाउट्स है मोनिटाइजेशन पॉलिसी के अंदर, क्या चेंजेस किया YouTube ने, क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे और वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहले YouTube का जो अपडेट आया है, YouTube मोनिटाइजेशन पॉलिसी को लेकर आया है। जैसा कि अभी तक YouTube में आपको पता है दो तरीके के वीडियो हम क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है शॉर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग वीडियो। तो जैसे स्टार्टिंग में YouTube लॉन्ग वीडियो पर ही काम कर रहा था, लेकिन इसके जो अदर कंपिटीटर है जैसे Instagram, Facebook, TikTok, जिन पर रील्स वगैरह स्वाइप होती है, उन्हीं कंपिटिटर्स को देखते हुए YouTube ने कुछ दिन पहले या लास्ट ईयर के अंदर अपन बोल सकते हैं, जिसके अंदर YouTube ने शॉर्ट्स वीडियो का प्लेटफॉर्म चालू किया था, यानी उसके ऊपर रील्स या शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करके आप अपना एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, अपनी पॉपुलरिटी उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है YouTube ने मोनिटाइजेशन की जो बेनिफिट था वो केवल लॉन्ग वीडियो के लिए दे रखी थी, और जो कैंडिडेट केवल शॉर्ट वीडियो ही क्रिएट करते हैं, लॉन्ग वीडियो क्रिएट नहीं करते हैं और एक मिनट के शॉर्ट रील या वीडियो कंटेंट क्रिएट करके अपलोड करते हैं YouTube पे, उनको अभी मोनिटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं किया गया था। वो केवल रील्स अपलोड करके अपना एक एंगेजमेंट बना सकते थे, चैनल को बूस्ट कर सकते थे और एक उसके अंदर शॉर्ट फीड का बेनिफिट ही उनको दिया गया था। उसके अलावा कोई मोनिटाइजेशन के लिए उनका पॉलिसी अभी तक नहीं थी। लेकिन अभी जस्ट लेटेस्ट YouTube ने अपडेट जारी किया, उस अपडेट के अनुसार शॉर्ट वीडियो बनाने वाला चैनल भी इन फ्यूचर यानी 2023 के स्टार्टिंग में वो मोनिटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और उस मोनिटाइजेशन को एनेबल करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। जिस भी कैंडिडेट का कोई शॉर्ट वीडियो का चैनल है YouTube पे, वो उसको मोनिटाइजेशन करा सकता है, लेकिन मोनिटाइजेशन के लिए उसको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ का। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आप एक शॉर्ट वीडियो कंटेंट क्रिएटर है तो आपको विद इन लास्ट 90 डेज, पिछले 90 दिन के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ अपनी शॉर्ट्स पे लाना होगा। उसी के बाद आप यूट्यूब शॉर्ट्स में मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अभी तक शॉर्ट्स वीडियो बना रहे थे उनके लिए ये ज़बरदस्त अपडेट है, यानी YouTube पे शॉर्ट्स से भी अपना चैनल मोनिटाइज करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। साथ ही इसके बारे में काफ़ी ऐसे अफवाहें या फेक न्यूज़ जिसे अपन बोल सकते हैं डिस्कस की जा रही थी कि YouTube की जो पुरानी पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग लॉन्ग वीडियो प्लेटफॉर्म वाले के लिए जो क्राइटेरिया था कि लास्ट 365 डेज के अंदर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने थे, इसको कम कर दिया गया, इसको मतलब इसकी जो क्राइटेरिया कम कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्राइटेरिया एज इट इज़ है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अभी जो चेंजेस आए केवल शॉर्ट्स वीडियो मोनिटाइजेशन के रिगार्डिंग है, बाकी लॉन्ग वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए सेम एज इट इज़ वही क्राइटेरिया और पॉलिसीज़ है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। और इसके अलावा यूट्यूब ने काफ़ी अलग और चेंजेस किए, 3 से 4 चेंजेज है जो इम्पोर्टेंट चेंजेज है और उनके बारे में हर एक यूट्यूबर को पता होना चाहिए। वो चेंजेज की डिस्कशन कर रहे हैं हम लाइव स्क्रीन शॉट के साथ। तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूँ कि यूट्यूब ने कौन कौन सी पॉलिसी चेंज की है और उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे मेरे चैनल का डैशबोर्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम ले जा रहे हैं आपको नई अपडेट के बारे में, जो आपको मिलेगी क्रिएटर इनसाइड वाले टैब के अंदर। यहाँ पे आपने यूट्यूब से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट यहाँ पे अवेलेबल होते रहते हैं, और यहाँ पे मोनिटाइजेशन का जो अपडेट है उसके लिए हम लर्न मोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 18 सितंबर को, और बिग न्यूज है शॉर्ट्स वीडियो के रिगार्डिंग। इसके अंदर 4 तरीके के अपडेट यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एक तो यूट्यूब एलिजिबिलिटी का है शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए, यानी यूट्यूब शॉर्ट्स जो बनाते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। दूसरा, यूट्यूब शॉर्ट्स का रेवेन्यू कितना परसेंट चैनल वाले को मिलेगा, कितना यूट्यूब रखेगा। तीसरा है सुपर थैंक्स का, और चौथा है क्रिएट म्यूजिक और अर्न का। तो ये 4 अपडेट का हम यहाँ पर डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं।
सबसे पहले हम बात करें यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी की, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कमिंग इन 2023 यानी 2023 के अंदर यूट्यूब की एक पॉलिसी आ रही है मोनेटाइजेशन की शॉर्ट वीडियो को लेकर, जिसके अंदर आपको क्राइटेरिया दिया गया है 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ पिछले 90 दिन के अंदर, ये आपको कंप्लीट करना, उसके बाद आपका ये शॉर्ट वाला चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और लॉन्ग फॉर्म वाले वीडियो के लिए वही पुराना क्राइटेरिया जो कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम है, यानी ये अपडेट आप कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से शॉर्ट्स वीडियो के लिए और लॉन्ग वीडियो के लिए जो कि मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबिलिटी है। शॉर्ट्स वीडियो के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज चाहिए, और लॉन्ग वीडियो के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। तो ये एक अपडेट यहाँ पे कंफर्म हो जाती है हमारी। दूसरी आती है यूट्यूब फंडिंग एनेजेबल फीचर का, यानी यूट्यूब पे जो शॉर्ट मोनेटाइजेशन है उसके अंदर कितना परसेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर आपको शॉर्ट्स वीडियो के अंदर 45% रेवेन्यू शेयर किया जाएगा यूट्यूब के थ्रू, और 55% जो रेवेन्यू है वो यूट्यूब खुद रखेगा, जबकि लॉन्ग वीडियो के अंदर ऐसा होता है कि 55% यूट्यूब चैनल वाले को मिलता है और 45% यूट्यूब खुद रखता है। तो इस तरीके से इसमें उल्टा कर दिया गया है। तीसरा जो अपडेट है वो है यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर सुपर थैंक्स का, यानी अगर यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल वाले का कंटेंट कोई भी व्यूअर्स या ऑडियंस उसको पसंद करती है तो वो सुपर थैंक्स के थ्रू कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट दे सकती है, जो भी जो कि एक यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये बेनिफिट भी शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए दिया जाएगा इन फ्यूचर 2023 में। और नेक्स्ट और लास्ट अपडेट है यूट्यूब म्यूज़िक के रिगार्डिंग, यानी अभी तक आप जो भी यूट्यूब वीडियोस के अंदर कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करते हैं उसका पूरा रेवेन्यू जो होता है म्यूज़िक ओनर को या कॉपीराइट ओनर को जाता है, उसके साथ शेयर किया जाता है यूट्यूब के द्वारा। लेकिन इन फ्यूचर जो है यूट्यूब इस पार्टनरशिप को मॉडिफाई कर रहा है, यानी जो भी कॉपीराइट ओनर म्यूज़िक का कॉपीराइट ओनर है वो उसके अंदर म्यूज़िक के एडिशनल फीचर्स और ऑप्शन अवेलेबल कराएगा कंटेंट क्रिएटर के लिए, जिससे कि वो आसानी से उसके अंदर म्यूज़िक यूज कर सके और यूज़ करने के बाद उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमा सके, और उसके अंदर कुछ शेयरिंग्स उस कंटेंट क्रिएटर को भी शेयर किया जाएगा, साथ ही पब्लिशर को तो करना ही है। तो इस तरीके से ये चारों अपडेट काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट है यूट्यूब के अंदर और हर एक यूट्यूबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। धन्यवाद।